नमस्कार, मैं प्रिया धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। तमिलनाडु में जयललिता की पार्टी AIADMK में मचा घमासान, अब नया मोड़ लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जयललिता के बाद पार्टी पर वर्चस्व की जंग में पूर्व मुख्यमंत्री पनीर सेल्वम को बड़ा झटका लगा है। मद्रास हाईकोर्ट की हरी झंडी मिलने के बाद पनलानी स्वामी को पार्टी की जनरल काउंसिल की बैठक में AIADMK को अंतरिम महासचिव चुना गया है। इसके अलावा आम परिषद की बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर भी लगा दी गई है। महाराष्ट्र में चले सियासी ड्रामे के बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी की सरकार गिर गई है और एकनाथ शिंदे ने भाजपा की मदद से सरकार बना ली। इस बीच अब राजनीतिक एक्सपर्ट्स ये कयास लगा रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी में शामिल पार्टियों का भविष्य किस तरफ जाएगा। इस बीच राकंपा सुप्रीमो शरद पवार ने कहा कि मेरी इच्छा है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 2024 विधानसभा चुनाव एक साथ मिलकर लड़ना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को एक कार्यक्रम में स्पष्ट करते हुए कहा कि भारत का दुनिया पर राज करने का कोई इरादा नहीं है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एक टिप्पणी का जिक्र करते हुए राजनाथ सिंह ने यह बात कही। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रभाव को लेकर बोलते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि मुझे कुछ समय पहले पुतिन की कही हुई एक बात याद आ रही है। आप सभी जानते हैं कि रूस तकनीकी रूप से एक एडवांस देश है। संसद भवन की नई इमारत की छत पर 6.5 मीटर ऊंचा अशोक स्तंभ बनाया गया है। सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला समेत कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद थे। इस अशोक स्तंभ कांसे का बना हुआ है और ये दूर से ही दिखाई देगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने अशोक स्तंभ के उद्घाटन के मौके पर संसद भवन की नई इमारत बनाने में लगे श्रमिकों से बातचीत भी की। चंडीगढ़ पर अपने अपने दावे को लेकर पंजाब और हरियाणा की सरकार कई बार आमने सामने हो चुकी है। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार से पंजाब की विधानसभा बनाने के लिए चंडीगढ़ में अलग जमीन की मांग कर डाली है, लेकिन उनके इस बयान पर शिरोमणि अकाली दल सुप्रीमो सुखबीर सिंह बादल भड़क गए हैं। बादल ने कहा कि ऐसा बोलकर मान ने चंडीगढ़ पर पंजाब का दावा छोड़ दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने मान की चेतावनी भी दे डाली है। श्रीलंका में गृह युद्ध जैसे हालात है, जहां पर प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग करते हुए शनिवार को उनके आधिकारिक आवास में भी घुस गया। उधर राष्ट्रपति राजपक्षे पहले आवाज छोड़कर निकल चुके थे। इसी बीच सोशल मीडिया पर ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि भारत श्रीलंका में अपनी सेना भेज रहा है। हालांकि इन अफवाहों पर विराम लगाते हुए श्रीलंका में मौजूदा भारतीय उच्चायोग ने बता दिया है कि आखिरकार सच्चाई क्या है और ये जो बातें हो रही है वो बिल्कुल ही निरर्थक है। भारतीय नौसेना का स्वदेशी विमान वाहक पुत विक्रांत रविवार को अपने चौथे चरण का समुद्री परीक्षण पूरा कर चुका है और इस परीक्षण के दौरान IAS विक्रांत से अधिकांश उपकरणों और प्रणालियों का परीक्षण किया गया। विक्रांत का यह परीक्षण 15 अगस्त को भारतीय नौसेना में शामिल होने से पहले हुआ है। नौसेना की तरफ से रविवार को परीक्षण की कई तस्वीरें भी शेयर की गई। यूट्यूबर गौरव तनेजा ने नोएडा मेट्रो स्टेशन पर उनकी और उनकी पत्नी ऋतु राठी द्वारा प्लान की गई जन्मदिन की पार्टी के बाद नोएडा पुलिस द्वारा उनकी हालिया गिरफ्तारी पर चुप्पी तोड़ी है। दंपति ने अपने बयान में कहा कि मेट्रो स्टेशन पर जमा हुए प्रशंसकों को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके साथ ही ये भी बता दिया है कि ये प्रशंसक हिंसक नहीं थे और ना ही उन्होंने कोई आपत्तिजनक नारे लगाए और ना ही किसी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। इंडिगो एयरलाइंस के विमानों का रखरखाव करने वाले टेक्नीशियन कम वेतन के विरोध में पिछले 2 दिनों के दौरान दिल्ली और हैदराबाद में छुट्टी पर चले गए हैं। सूत्रों ने रविवार को ये जानकारी दी। 2 जुलाई को इंडिगो की घरेलू उड़ानों में से लगभग 55% में देरी हुई थी क्योंकि बड़ी संख्या में चालक दल के सदस्यों ने बीमार होने का हवाला देकर छुट्टी ले ली थी। विमानन उद्योग के सूत्रों ने कहा था कि ये कर्मी एयर इंडिया के भर्ती अभियान में शामिल होने के लिए गए थे। तमिलनाडु में राजनीतिक हलचल तेज है। मुख्य विपक्षी दल AIADMK के घमासान देखने को मिल रहा है। AIADMK नेता एडपार्टी के पनाली स्वामी पार्टी के जनरल काउंसिलिंग बैठक आयोजित की गई थी, लेकिन बैठक में पनीर सेल्वम के समर्थक ने पहुंचकर जमकर उत्पात मचाया। पनीर सेल्वम के समर्थक जमकर नारेबाजी करते देखे गए। वहीं पलानी स्वामी के नेतृत्व में पार्टी के जनरल काउंसिल की बैठक से पहले AIADMK कार्यालय का दरवाजा तोड़ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भारत के भगौड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को 4 महीने की जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने विजय माल्या पर 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। सर्वोच्च अदालत ने 2017 में अदालत की अवमानना के दोषी मामले में सजा सुनाई है। साल 2011 में विश्व की आबादी 7 अरब हुई थी। वर्ष 2021 में विश्व की आबादी 7.8 अरब। वर्ष 2031 में दुनिया की आबादी बढ़कर 8.6 अरब हो जाएगी। पिछले एक दशक में दुनिया की आबादी 1.1% की दर से बढ़ रही थी। इस पर अब जाकर ब्रेक लगा है। इस वक्त दुनिया की आबादी 0.9% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। भारत में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 16,678 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि इस दौरान संक्रमण से करीब 26 लोगों की जान जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सोमवार की सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के संक्रमण में करीब 14,629 ठीक भी हुए हैं। इसमें से ही देश में कोरोना के कुल सक्रिय मामलों की संख्या 1,30,713 हो गई है। वहीं दैनिक पॉजिटिविटी रेट भी करीब 5.99% है।
अमरनाथ गुफा के निकट शुक्रवार को बादल फटने से अचानक आई बाढ़ के कारण 16 लोगों की जान चली गई थी, जबकि लगभग 37 लोग लापता है। इस बीच भारतीय सेना यहां राहत बचाव कार्य में जुटी है। चिनार कॉर्प्स की तरफ से जो ताजा जानकारी जारी की गई है उसके अनुसार जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आज से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए खास प्रबंध किए गए हैं। दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक आकाश में बादल छाए रहने और बिजली कड़कने के आसार नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में बारिश का दौर आगे भी जारी रहेगा। झारखंड में आज से फिर मॉनसून के सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान राजस्थान के कई जिलों में बारिश की संभावना व्यक्त की है। कोलंबो में तेजी से हो रहे घटनाक्रम पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में भारतीय विदेश मंत्रालय ने रविवार को कहा कि वो श्रीलंका के लोगों के साथ खड़ा है, क्योंकि वो लोकतांत्रिक तरीकों और मूल्यों और संवैधानिक मार्ग के जरिए समृद्धि और प्रगति के लिए अपनी आकांक्षाओं को साकार करना चाहते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि श्रीलंका हमारी नीति में केंद्रीय स्थान पर है, इसलिए भारत ने उसे आर्थिक संकट से निपटने के लिए इस साल 3.8 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की सहायता दी है। देश में लंबित मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कानून एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने शनिवार को कहा कि जब मैंने कानून मंत्री के रूप में पदभार संभाला था तब 4 करोड़ से कुछ कम मामले लंबित थे, आज ये 5 करोड़ के करीब हो गए हैं। ये हम सब के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। इस सिलसिले में कोई कदम नहीं उठाया गया तो ये संख्या और बढ़ जाएगी। दक्षिण और मध्य गुजरात के कई हिस्सों में भारी बारिश होने से कुछ नदियों का जलस्तर बढ़ गया और विभिन्न निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिसके कारण 1500 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। अधिकारियों ने रविवार को ये जानकारी दी। वहीं असम राज्य में बाढ़ की स्थिति में काफी सुधार देखने के बावजूद भी रविवार को 2 और लोगों की जान चली गई है। एक आधिकारिक बुलेटिन में ये जानकारी दी गई। एनडीए में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज देहरादून पहुंची और इस दौरान उन्होंने सभी विधायकों और सांसदों से मुलाकात की। सभी ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मुर्मू के साथ बातचीत की और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। वहीं द्रौपदी मुर्मू को निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन मिलता दिख रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कृत्रिम मेधा से संचालित 75 रक्षा उत्पादों को सोमवार को पेश करेंगे। भारत की तरफ से मनाए जा रहे आजादी के 75 वर्ष के जश्न के तहत इन 75 उत्पादों को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी में पेश किया जाएगा। इंडिगो के विमान रखरखाव टेक्नीशियन कम वेतन के विरोध में पिछले 2 दिनों के दौरान हैदराबाद और दिल्ली में छुट्टी पर चले गए हैं। सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। 2 जुलाई को इंडिगो की घरेलू उड़ानों में से लगभग 55% में देरी हुई थी, क्योंकि बड़ी संख्या में चालक दल के सदस्यों ने बीमार होने का हवाला देकर छुट्टी ले ली थी। विमानन उद्योग के सूत्रों ने कहा था कि ये कर्मी एयर इंडिया के भर्ती अभियान में शामिल होने के लिए गए थे। बिहार के गया में नक्सलियों के खतरनाक इरादे को सुरक्षा बलों ने विफल कर दिया है। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान मदनपुर थाना क्षेत्र के अनजान पहाड़ी इलाके में बड़ी संख्या में विस्फोटक बरामद किए हैं। इस दौरान 150 IED जनरेटर, HP लेजर प्रिंटर और स्टेबलाइजर, पेट्रोल और खाद्य सामग्री जब्त की गई। जब्त आईडी को डिफ्यूज कर दिया गया है। कांग्रेस ने गोवा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद से माइकल लोबो को हटा दिया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के गोवा प्रभारी दिनेश गुंडू राव ने कहा कि तटीय राज्यों में पार्टी को कमजोर करने के लिए लोबो और पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत के नेतृत्व में एक साजिश रची गई। भाजपा 2/3 विभाजन की कोशिश कर रही थी ताकि हमारे कम से कम 8 विधायक चले जाए। हमारे कई लोगों को बड़ी मात्रा में धन की पेशकश की गई है। भारत के चुराई गई 1200 साल पुरानी योगिनी की मूर्ति 40 साल बाद लंदन से वापस लाई गई है। फिलहाल बकरी के सिर वाली इस खास मूर्ति को पुराना किला स्थित संग्रहालय को सौंप दिया गया है। इस मूर्ति को चित्रकूट के लौरी ग्राम पंचायत के लोखरी गांव के 64 योगिनी मंदिर में स्थापित किए जाने की बात कही गई है। इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सौंप दिया गया है। गोवा में कांग्रेस एक बार फिर मुसीबत में घिरती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस की 11 में से 5 विधायक पार्टी के संपर्क में नहीं है। कांग्रेस ने 2 विधायक माइकल लोबो और फिर पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत पर भाजपा के साथ मिलकर पार्टी के खिलाफ साजिश रचने का आरोप भी लगाया है। वहीं पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक से राज्य में ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर रखने के लिए रविवार को गोवा जाने को कहा। साल का सबसे बड़ा सुपर मून बुधवार को दिखाई देगा, क्योंकि इस दिन चंद्रमा अपनी कक्ष में पृथ्वी के सबसे निकटतम बिंदु पर पहुंच जाएगा। 13 जुलाई को चंद्र पिंड पृथ्वी के सबसे करीब आ जाएगा। पृथ्वी के ऊपर आसमान में यह सुपर मून बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगा। इस दिन चंद्रमा सबसे नजदीक ग्रह से सिर्फ 3,57,264 किलोमीटर दूर होगा। चांद बड़ा दिखने के साथ ही बहुत ही चमकीला भी नजर आएगा। युवा भारतीय निशानेबाज अर्जुन बबूता ने सोमवार को टोक्यो ओलंपिक के रजत पदक विजेता लुकास कोजेंस्की को पछाड़कर पुरुष 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता है और ISSF निशानेबाजी विश्व कप में देश को पदक का खाता खोला है।
राजगीर के सीआरपीएफ कैंप में प्रशिक्षण ले रहे मद्य निषेध विभाग के प्रशिक्षु अधिकारी कर्मियों ने शनिवार की देर रात से लेकर रविवार की सुबह तक व्यापक छापेमारी की। ये छापेमारी अभियान 3 जिले पटना, गया और नालंदा में 4 ठिकानों पर चली है, जिस दौरान 94,000 किलो जावा महुआ के साथ करीब 3,000 लीटर चिलाई शराब जब्त करते हुए उसे नष्ट कर दिया गया। इस दौरान शराब बनाने और बेचने वाले 79 लोग गिरफ्तार भी हुए। नोकिया ने काफी समय पहले चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी ओप्पो के खिलाफ कोर्ट में 4G 5G पेटेंट उल्लंघन के मामले में केस किया था। इस केस पर लंबे समय तक नहीं कहा सुनी होने के बाद आखिरकार कोर्ट ने नोकिया के हक में अपना फैसला सुनाया। साथ ही ओप्पो और वन प्लस के स्मार्टफोन्स को बैन करने का फैसला किया है। बॉलीवुड एक्टर विद्युत जामवाल की फिल्म खुदा हाफिज चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा 8 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म ने पहले दिन करीब 1.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। वीकेंड पर भी फिल्म ने कुछ ज्यादा ही कमाई नहीं की। मूवी दर्शकों को इम्प्रेस करने में नाकामयाब रही। रविवार को सिर्फ 2.20 करोड़ की कमाई हुई। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है कुश कुमार यादव, नुनू कुमार, अनिल कुमार पांडे, सोनम सिंह, सिद्धार्थ कुमार, नसीम अख्तर, अजय कुमार, राकेश कुमार, सोनम कुमारी, ऋषिराज, जितेंद्र कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आपको इस साल अब तक की बॉलीवुड की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।